नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है कि कितने तरीके से म्यूचुअल फंड SIP से 1 करोड़ के पाया जा सकता है। अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं 125 करोड़ के देश में, तो एक तरीका नहीं होगा, अलग अलग तरीका होगा अलग अलग लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार। तो एक गाना है यहाँ पे, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले कोई सुनना ले, ये वाला सुनना लेना है म्यूचुअल फंड मार्केट से। तो इतना तक तो सबके पास है लगभग, हमने 2 सुनना एक्स्ट्रा लिया है। अगर हम म्यूचुअल फंड में नहीं इन्वेस्ट किए होते तो 2 सुनना कम होता हमारे ज़िंदगी में, पर म्यूचुअल फंड में घुसे तो 2 सुनना हमारे पास एक्स्ट्रा आ गया। तो ये सुनना लेना है, तो इसके सुनना लेने का कोई कुछ तरीका है। क्या है? पहला, मात्र 2000 रुपये पर मंथ करना है 30 साल तक, एकदम दूरदृष्टि पक्का इरादा। यदि 14% का रिटर्न मिले, यहाँ पर यदि है, कम होगा ज़्यादा होगा मार्केट में ऊपर नीचे के अनुसार से ये पैसा बदल सकता है, पर यदि 14% का रेट हुआ, 30 साल तक चलता रहा, 20 साल से खेल शुरू किया और 2000 रुपया काट काट के जमा करते रहे, कुछ देखे वो कहने चलता रहा 500 का या 1000 का, दो स्मॉल कैप में लगा के छोड़ दिया, SBI HDFC स्मॉल कैप, 1 करोड़ का पूरा हो सकता है। कैसे? कैलकुलेट करना है खुद से, 2000 रुपये पर मंथ 30 साल तक झोंकता रहूँगा, यदि 14% का रिटर्न मैथमेटिक्स में हुआ तो 7,20,000 जमा होगा और गणित का आंसर आएगा 1,11,00,000। पर यदि इतना ज्यादा समय नहीं है और पैसा थोड़ा सा ज्यादा है तो 8,000 रुपये पर मंथ कर सकते हैं राजू भैया, 20 साल तक करूं, 14% का रिटर्न हो तो मैथ का फार्मूला बोलता है ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटे 100 कि 19,20,000 जमा करेंगे 1,05,00,000 होगा। और एक फार्मूला तो आपको सबको पता ही है, 15,000 15 साल 15% सिंपली 1 करोड़ हो जाता है, इससे भी ज्यादा सैलरी है। अब आते हैं, ये तो SIP का खेल हुआ। शॉर्ट टर्म अगर इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाएंगे ना तो शॉर्ट टर्म भी 15 साल बोला जाता है, इससे कम में बैंक पोस्ट ऑफिस FD करते रहिए, एकदम नजर के सामने जिगर के पास पैसा रखिए, हलचल से दूर रहिए। हलचल को खत्म करना है तो 15 साल से ऊपर टाइम देना पड़ेगा। अब वन टाइम का बात कर लेते हैं कि 8,00,000 रुपये आपके पास है कहीं से जुगाड़ करके, वन टाइम 8,00,000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, 2,00,000 रुपया करके 4 म्यूचुअल फंड में मिड कैप स्मॉल कैप कैटेगरी में, और 20 साल छोड़े रह गए, वही 14% का रिटर्न ऊपर नीचे होगा तो रिटर्न भी ऊपर नीचे होगा, पर यदि 14% के रेट से कैलकुलेट किया तो 1,09,00,000 रुपये बन जाता है। यहाँ पे देखते हैं वन टाइम के रिटर्न में, यहाँ पे वन टाइम गए लमसम में 8,00,000 रुपये वन टाइम 20 साल तक 14% के रेट से जमा, वही 8,00,000 रहा, 1,09,00,000 रुपये तक बन सकता है। और यदि 15,00,000 रुपये इन्वेस्ट किए और 15 साल टाइम दिए, थोड़ा कम समय दिए, 20 साल ना देखे 15 साल टाइम दिए, वही 14% का रिटर्न हो तो 15,00,000 का वैल्यू 1,07,00,000 हो जाएगा। पर यदि आप मच फंड के बारे में नहीं जानते होंगे और 6-7% का रिटर्न सेफेस्ट जगह मिलता होगा तो 35,94,000 बनेगा। आपके बगल के मित्र पड़ोसी इधर उधर के लोग अगर म्यूचुअल फंड में किए होंगे और कोई नहीं किए होंगे तो जो किए होंगे उनको 1 करोड़ तक मिल सकता है, जो नहीं किए होंगे तो सेफर वाला स्टैम्प का ठप्पा लग के ये वाला मिल सकता है। अब बताइए 20 साल के बाद किसी के पास 1 है और किसी के पास 35,00,000 है, कौन ज्यादा रिस्क पे है? घर बनाया, बच्चों के शादी किया, पढ़ाई किया, पैसा भूस हो गया और वहां खर्चा करने के बाद भी थोड़ा पैसा बच जाएगा तो जीवन यापन चल जाएगा, ठीक है? तो इसको वाइजली कैलकुलेट करना है कि जिंदगी में कैसे क्या करना है। अब कुछ लाइव रिटर्न दिखाते हैं म्यूचुअल फंड का। लाइव रिटर्न 5,00,000 रुपया वन टाइम जमा किया, पिछले 15 साल का रिकॉर्ड है। यहां पे देखेंगे कि AUM जिसका सबसे ज्यादा है तो क्या पैसा बना है। कैटेगरी में हमने चुना है यहां पे ऑल इक्विटी, ये सब कुछ आप starsip.in में जाके देख सकते हैं। ये मैं क्यों बोलता हूं बार बार starsip.in वेबसाइट का नाम एक बार, क्योंकि नए दर्शक जो है अभी तक सिर्फ सपना चौधरी का डांस देखते थे, अचानक से आए, खट से आ गया हमारा वीडियो 1 करोड़ कैसे पाए, तो अभी तक तो डांस देख रहे थे, एज हो गया 35-40, 2 बच्चे का जन्म हो गया, अभी तक कुछ पैसा जमा नहीं किया, पैसा कमा रहे हैं ठीक ठाक, पूछा जाए तो कितना पैसा है बैंक में तो 5,00,000 भी नहीं है, 7,00,000 भी नहीं है, 2,00,000 भी नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करके ये 1 करोड़ रुपया का टारगेट पार किया जा सकता है। तो ऑल इक्विटी है यहाँ पे starsip.in में, वेबसाइट भी है, ऐप भी है। पिछले 15 साल में मात्र 5,00,000 रुपये वन टाइम जमा किया। अरे राजू जी 5,00,000 रुपये बोलते हैं, हम तो दिए थे किसी को 5,00,000 लेके सो गया, मोबाइल भी बदल दिया, रिंगटोन भी सब बंद है, जितनी बार कॉल करते हैं फोन उठाता ही नहीं है, जाते हैं एड्रेस पे तो मिलता ही नहीं है, 5,00,000 रुपये तो मेरा भुट्टो हो गया। ऐसे क्या ऐसा अगर लगाए होते DSP स्मॉल कैप फंड 2009 में 5,00,000 वन टाइम,
उनके पैसे का वैल्यू है 1,78,00,000। कायदे से जो 5,00,000 रुपये आपको लौटना है वो 1,78,00,000 रुपये लौटना है अगर म्यूचुअल फंड में हो तो, कभी मिले तो इतना लेना है। आईसीसी पोटेंशियल टेक्नोलॉजी, ये मैं एएम देखने बोलता हूँ, 13,000 करोड़, 12,000 करोड़, 20,000 करोड़, कैंडर इवोको इमर्जिंग, मार धाड़ एक्शन से भरपूर फंड, 5,00,000 रुपये वन टाइम 2009 में, 1,47,00,000, 25% का सालाना रिटर्न। मैं इतना एक्सपेक्ट करने नहीं बोलता हूँ, इतना मिला है एक्सपेक्ट कीजिए 12, 13, 14, 15, मरा मरा सा, इससे ज़्यादा मिला तो खुश हो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो भी खुश होंगे, क्योंकि बैंक एफडी पोस्ट ऑफिस से सेफ सेफर से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, अगेन बेहतरीन फंड, 5,00,000 रुपये वन टाइम प्लॉट खरीद के यहाँ पे रख दिए, बंडल बना के रख दिए, 1,41,00,000 बनाया। अब देखते हैं जिसमें कम एएम है सबसे लास्ट में उसने कितना बनाया, इसलिए मैं बोलता हूँ एएम एएम देखना है, ये एएम एएम क्या है, ये एएम 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 चेक करना है, साधारण इन्वेस्टर है कुछ नहीं समझ में आता है, एयूएम ज्यादा है, फंड मैनेजर खूब तगड़ा वाला होगा, बहुत पुराना होगा तभी तो ज्यादा पैसा होगा उसके पास, कितने सारे इन्वेस्टर होंगे उसके पास, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा, सब अल्फा बीटा गामा सब उसमें समाहित हो जाएगा एएम ज्यादा है तो। अब एएम कम है 232 करोड़, फ्रैंकलिन एशिया इक्विटी, कहाँ पैसा लगाया विदेश में जाके पता नहीं, 5,00,000 लगाया था, कितना पैसा है 19,09,35, मतलब सेफ सेफर से भी ज्यादा है, बॉटम वाला फंड भी डूबते हुए भी बोलते ना आकाश से गिरे और खजूर में अटके, खजूर में अटकने के बाद भी वो बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा है, आसमान से गिरे ये खजूर में अटके, ये म्यूचुअल फंड का रिकॉर्ड है। दूसरा है नीचे से बॉटम से आदित्य बिरला इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरनेशनल गया होगा लगाने कहीं अलग अलग कंट्री में, फंड मैनेजर ने विदेश की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया होगा, 5,00,000 रुपया 24,00,000 बनाया, 11% का रिटर्न, तो बॉटम से भी बैंक पोस्ट ऑफिस से ज्यादा अच्छा है, तो इसीलिए बोलता हूँ एएम देखिए, एएम में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रिटर्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। अब यहाँ पे अगर जब 1 करोड़ रुपया अचीव हो गया, जब 1 करोड़ रुपया अचीव हो जाए तो यहाँ से 60,000 रुपये पर मंथ ले सकते हैं, हर महीने हो गया एज 50 हो गया 55 हो गया 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कीजिए। कैसे लेना शुरू करेंगे यहाँ पे देखते हैं, जब 1 करोड़ हो जाए तो इस पैसे को वहीं पे छोड़ दीजिए या फिर स्विच करके हाइब्रिड एग्रेसिव SBI इक्विटी हाइब्रिड में रहने दीजिए, या फिर जहाँ पे है वहीं से 60,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू कर दीजिए। पिछले 10 साल का रिकॉर्ड बताता है कि 2014 में जमा किए 1 करोड़ वन टाइम और 60,000 इमीडिएट लेना शुरू कर दिए तो अभी तक विड्रॉ कर लिए 10 साल में 72,00,000 रुपया और पैसा बचा हुआ है, आज अभी भी बचा हुआ है 1 करोड़ बढ़ के 2,46,00,000 हो गया, दोनों को जोड़ेंगे जो खाए और बचा 3,18,00,000, 14.99% का रिटर्न मिला है, खर्चा फर्चा फंड मैनेजमेंट चार्ज एडवाइजर चार्ज एक्सपेंस सब काट कूट के आपको ये दे रहा है, ये कि आपको मिलेगा फिर काटेंगे ये सब नाटक नहीं है। दूसरा फंड अगर देखा जाए पेंशन वाले फंड में, पेंशन मतलब भूलने का बात है, ऐसा नहीं कि पेंशन मिल रहा है, ये टूल है, आप आउट करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आना शुरू हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में बोलते हैं SWP सिस्टमेटिक विड्रावल प्लान, उल्टा है SIP का उल्टा, SIP मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, पैसा जमा करने के तरीके को SIP बोला और निकालने के तरीके को SWP बोला, एक में बोला इन्वेस्ट एक में बोला विड्रॉ, तो पैसा निकालने के तरीके को SWP बोलते हैं, बोल चाल में समझाने के दृष्टिकोण में पेंशन बोल देते हैं पर वो सही वर्ड है नहीं। ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, यहाँ पे 1 करोड़ लगाया 60,000 रुपये इमिट 1 अप्रैल को लगाया और 1 मई 2014 से लेना शुरू कर दिया, इमीडिएट अगले ही 1 तारीख से 60,000 लेना शुरू कर दिए, 72,00,000 वापस खा गए, ठीक है 3,33,00,000 समझ में नहीं आएगा, खोपड़ी का ब्लूटूथ खड़बड़ा जाएगा, ये कितना पैसा कैसे हो सकता है, जो किया है जो पाया है वही धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले सकते हैं यहाँ पे दो एक्स्ट्रा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और है, ये 60,000 पे पेंशन लेते रहेंगे राजू भैया 55 से स्टार्ट किया 60, 65, 70, 75 गए ऊपर ठक से, अब नेक्स्ट ऑफ किन, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, जब तक जिंदगी है तब तक आपको जब ऊपर गए तो आपका बुद्रू लोग जो है उसको मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पैसा पड़ा हुआ है ब्याज खाते जा रहे हैं, इसको बोलते हैं जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। अब कुछ कॉमेंट्स का बात कर लेते हैं, एक कॉमेंट में बोला गया हमें कमेंट में आया कि आपने तो एक बार बोला था कि मार्केट गिरता है तो आप तो बिंदास बैडमिंटन खेलते हैं
और अब इस बार बोले हैं कि मैं भी डीमोटिवेट हो जाता हूँ और निराश हो जाता हूँ, ऐसा क्यों? तो ऐसा दो अलग अलग बात था, मतलब मन में था, बोल नहीं पाया था। वो क्या था, जब मेरा पोर्टफोलियो डाउन होता है तो मैं ज़्यादा चिंता नहीं करता हूँ, गेम में बिजी हो गया या कुछ और सीरियल देखने लगा, चंद्रकांता देखने लगा, चाणक्य की नीति देखने लगा, कुछ और में व्यस्त हो गया, इतना ज़्यादा थोड़ा सा विमुख हो जाता हूँ उससे। अपने आप धीरे धीरे फिर रिंगटोन का, मोबाइल रिंगटोन का स्वर बदलता है, फिर धीरे धीरे पोर्टफोलियो आने लगता है। लेकिन जब इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो देखता हूँ तो थोड़ा सा निराश होता हूँ कि अभी अभी पैसा लगाया था 6-7 महीना पहले, समझने के सब कुछ बाद भी जब पोर्टफोलियो डाउन होता है तो इन्वेस्टर निराश होता है, उनको देख के मैं थोड़ा निराश होता हूँ। अब कॉल आता है तरह तरह का, रिडीम कर लूँ, पैसा गिर गया बहुत ज़्यादा, स्विच कर लूँ, कोई और फंड बता दीजिए, इससे बेहतर वाला बता दीजिए। बेहतर ही है, सबसे अच्छा वाला फंड में ही लगाया है, मिड कैप स्मॉल कैप में, लेकिन और बेहतर और बेहतर। तो समझाते हैं जितना हो उसके, डर मिटाने का कोशिश करते हैं, लेकिन कोई कोई बिना सलाह लिए इधर उधर किया तो नुकसान भी हो जाता है। पूरे भूतकाल के सीजन में 19-20 में जो भूतकाल आया था डरा करके, इधर जाना है उधर जाना है, इधर जाना है उधर नहीं जाना है, इधर से सब्जी खरीदना है, उस दुकान से नहीं खरीदना है, इधर से नहीं खरीदना है, यहाँ नहीं जाना है, इतना दूर पे बैठना है, ये लगाना है वो लगाना है, उस डर काल में मात्र 2 इन्वेस्टर ऐसे हुए जिन्होंने डर के पैसा निकाल लिया, बाकी सबको समझा बुझा के रिमेन इन्वेस्टेड रखे, सबका पोर्टफोलियो लाइफ टाइम हाई 6-7 महीना हो गया, बस 2 इन्वेस्टर का पैसा मारा खा गया, मूलधन से भी नीचे निकाला क्योंकि वो डर गया। बोलते क्या है, मेरे मित्र हैं कि टीवी में बोल रहा है और गिरेगा और गिरेगा और गिरेगा, वो तो बोल ही रहा था टीवी पर, हमने तो स्विच ऑफ करके रखा था, हमने तो सुना ही नहीं टीवी मीडिया रिंगटोन को, अगर सुनता तो 1-2-3 भी करना पड़ता, सबने किया क्योंकि टीवी देखा, जो नहीं देखा वो लोग अच्छा सुरक्षित है। अब ये जो इस तरह का गिरावट हो ना, तो टाइम देना है, टाइम टाइम टाइम, वो दर्द को मिटा देगा, जितना दर्द है ना सबको मिटा देगा। और कुछ कमेंट्स को लेते हैं, यहाँ पे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 साल की हमारी बेटी है और उनके लिए पैसे चाहिए, तो हर महीना 2,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बेहतरीन फंड कौन सा होगा? 2,000 रुपया मात्र पर मंथ है। यहाँ तो मैं एक रिकॉर्ड दिखा रहा हूँ स्मॉल कैप कैटेगरी का 15 साल का, लेकिन आपको लेना है SBI स्मॉल कैप, HDFC स्मॉल कैप या ICICI स्मॉल कैप, निपॉन स्मॉल कैप, चार में से कोई शुरुआत करना है, SBI HDFC से, फिर जिंदगी में पैसा है निपॉन और ICICI में झोंकते चले जाइए स्मॉल कैप में 1-1,000 करके। पर पिछला रिकॉर्ड बताता है स्मॉल कैप कैटेगरी में DSP स्मॉल कैप में 2,000 रुपये पर मंथ मात्र किया, मात्र 2,000, हमने भी शुरुआत 3,000 से किया था, 3,60,000 जमा हुआ 2009 से लेकर अब तक, और पैसा बना है पिछले 15 साल में 19 लाख, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इस तरह ही बनेगा, इससे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना है। बॉटम वाला फंड का देखें अगर बात करें तो कौन से फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी में कितना बनाया है, 12,46,000, 15.26% का रिटर्न, आदित्य बिरला स्मॉल कैप, यही रेंज में आपको एक्सपेक्ट करना है, कुछ ना कुछ, इतना लंबा समय है तो इतना पैसा बन सकता है, फिर धीरे धीरे जिंदगी में पैसा बढ़ेगा तो कुछ पैसा बढ़ा भी सकते हैं। अगले कमेंट्स की तरफ चलते हैं, यहाँ पे पूछा गया है राजू भाई मैं 15,00,000 रुपया इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्या डाइवर्स करके डाल दूँ और क्या उसी पोर्टफोलियो में 20,000 रुपये पर मंथ का SIP कर दूँ? बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, जिसमें आपने वन टाइम परचेज किया, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है आपको, लगभग पोर्टफोलियो में दिया हुआ है वन टाइम 15,00,000 रुपया, 3-3 लाख करके 5 फंड में डाल दीजिए और उसी में SIP कर दीजिए, 3 स्मॉल कैप ले लीजिए, 1 मिड कैप कैटेगरी का फंड ले लीजिए और 1 250 स्मॉल कैप ले लीजिए, बराबर बराबर करके डाल दिया और उसी में SIP करना शुरू कर दिया। बीच बीच में कभी कभी मार्केट गिरे, थोड़ा बहुत टॉपअप करते रहिए, आपका डिसीजन सही है, जिसमें वन टाइम किया उसी में SIP आप करना शुरू कर दीजिए। पोर्टफोलियो रिव्यू करना है 20 साल के लिए, एज 37 साल है, कौन कौन सा फंड है, टीचर है खुद, ICICI पोटेंशियल ब्लू चिप 1,000 रुपया, HDFC मिड कैप 1,000, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप बेहतरीन फंड 1,000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप सबसे बेहतरीन फंड 1,000, क्वांट स्मॉल कैप अगेन बेहतरीन फंड। सारे पोर्टफोलियो आपके अच्छे हैं, इमरजेंसी के तौर में कभी पैसा निकालना पड़े जिंदगी में तो ICICI ब्लू चिप से आप पैसा निकालिए, ये सारे फंड आपके अच्छे हैं, कंटिन्यू कीजिए, थोड़ा सा पैसा सैलरी बढ़ता है, DA बढ़ता है, इसमें क्वांट स्मॉल कैप निपॉन स्मॉल कैप में आप SIP धीरे धीरे बढ़ाते रहिए। सर लमसम करें या रुक जाएं अभी? आप लमसम के चक्कर में मत फंसिए और मार्केट गिरने के चक्कर में भी मत फंसिए, SIP शुरू कर दीजिए 5-10,000 का पैसा है तो, एकदम
ओवरऑल जो है डाइवर्सिफाइड करके लगा दिया, एवरेज आउट कर दिया, गिरे बजड़े क्या हुआ, आपको एवरेज रेट में एनएवी मिल जाएगा और फिर यहाँ से बने रहेंगे 5-10 साल, आपको रिटर्न 12-15% तक मिल जाएगा। आपने 6 मंथ का कैश रखने के लिए बोला, क्यों बोला, इसके लिए आपको नीदर इंडिया फैक्टल मास ये वाला चैनल देखना पड़ेगा, सब कुछ हम यहाँ पे नहीं बोलेंगे, ठीक है। रखना है, रखना चाहिए, 1 लाख रुपये मिनिमम कैश में रखिए, हमने भी रखा है। एक दिन में 7% गिर गया, इसके मेंटेन करने में 6 महीने लगेंगे, अगले 6 महीने में जब तक 5-6% बढ़ेगा तब तक फिर आपका मोगेम्बो घटा देगा, बढ़ेगा कब, हमारा बढ़ गया 2010 से लेके अब तक, करते रहे SIP 8.5 लाख रुपये जमा हुआ है, 35-36 लाख रुपये दिख रहा है, तो कैसे बढ़ा होगा, छोड़ दीजिए फंड मैनेजर पे, जिंदगी में जो थोड़ा थोड़ा पैसा है इन्वेस्ट करते रहिए, भरोसा रखिए भारतीय इकोनॉमी पे, रेगुलेटर पे भरोसा रखिए, SEBI MP पे भरोसा रखिए, धीरे धीरे पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, आगे बहुत फ्यूचर ब्राइट है, आपका पैसा बढ़ेगा जरूर। आगे है, राजू भैया नमस्ते, मेरा प्रश्न है कि कुछ म्यूचुअल फंड ऐसे हैं जिसमें लमसम नहीं होता है, निपोन स्मॉल कैप में, टाटा स्मॉल कैप में, तो फंड शेयर मार्केट गिरने पे पैसा लगाएं, कृपया कैसे लगाएं, ये कहना है, तो नहीं लगाएंगे इसमें भाई, 250 इंडेक्स फंड स्मॉल कैप ले लीजिए ना, जो अलाउ करता है उसमें ले लीजिए, कोई बात नहीं, इसमें SIP का अमाउंट बढ़ा दीजिए और इंडेक्स फंड SIP स्मॉल कैप का उसमें करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं तो तरीका निकाल ही लेंगे स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, कमेंट्स करके यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, यूट्यूब पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो जो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग का मैसेज भेजते हैं जिस व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ग्रुप में, ये वाला भी मैसेज दे दीजिए, किसी का खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा, जब ऑन हो जाए तो मिनिमम 100 रुपये से इन्वेस्ट कीजिए, ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, थैंक यू सो मच।